महिला बाल विकास विभाग के तहत 313 विकास खंडों पर बाल शिक्षा केंद्र खोलने के आदेश के बाद इसकी शुरुआत भिंड से की गई। चंबल कॉलोनी में भी ये बाल शिक्षा केंद्र खोला गया। इसका उद्देश्य गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है। भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने बाल शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया, साथ ही महिला विकास विभाग के अधिकारी और SDM मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान विधायक ने पोषण आहार में हो रही गड़बड़ी को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। BSP विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने केंद्र के उद्घाटन के पश्चात बच्चों को पढ़ाई के लिए स्लेट और पेंसिल का वितरण किया। उन्होंने पोषण आहार को बाजार में बेचने की खबरों पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। विधायक ने सख्त लहजे में कहा कि बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार में हेरा फेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषी लोगों को बचाने वाले भी बख्शे नहीं जाएंगे। छोटे बच्चों से लेकर ये अभी जो अखबारों के माध्यम से मुझे जानकारी रही कि आपके डिपार्टमेंट का जो अनाज बाजार में बिका तो ये ठीक नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी जो लोग वास्तविक दोषी हैं उनको बचाने का प्रयास किया है, तो ये ठीक नहीं है। आपका कौन अधिकारी कौन है यहाँ पर, कौन DPO कौन है? वो नहीं है। अच्छा, तो उनके लिए ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण नहीं था? चलिए ठीक है, तो आप उसकी जांच सही तरीके से कराएं ईमानदारी से, और जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। और